देखो मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने का। वो व्यक्ति जिसे शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता था, वो जिस शेयर पर हाथ रख देता था वो आसमान छूने लगता था। लोग उस पर भरोसा करते थे और उसकी देखा देखी शेयर खरीद कर मुनाफा कमाते थे। लेकिन ये बाद में पता चला कि ये बंदा तो बहुत बड़ा घोटालेबाज है, और वो जब घोटाला करते हुए पकड़ा गया तो उसने सीधे सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री पर रुपए लेने का आरोप लगा दिया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसके इस आरोप का खंडन किया, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उस आदमी पर भी कोई केस नहीं किया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन आखिर क्या था ये बड़ा घोटाला और कैसे ये बंदा दलाल स्ट्रीट के शेयर को ऊंचाइयों पर पहुंचा देता था, हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं हर्षद मेहता के घोटाले की पूरी कहानी। हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के घोटालेबाज हर्षद मेहता की। हर्षद का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ, शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी राजकोट में ही हुई। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के रायपुर चला गया और वहाँ रहकर उसने पढ़ाई लिखाई की। फिर मुंबई आया और मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। अपने अर्निंग करियर की शुरुआत उसने एक बीमा कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन शुरू की। आगे चलकर उसने बीमा कंपनी की जॉब छोड़ दी। इसके बाद उसने एक शेयर ब्रोकर के अंडर में काम किया और उस काम को भी छोड़ दिया। फिर उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। ये वो दौर था जब भारत में सरकार अपनी आर्थिक नीतियां बदल रही थी। साल 1992 के दौर में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही थी। लोग सरकार का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब लोग बेरोजगार होंगे और नौकरियां हाथ से जाएंगी। देश एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहा था और शेयर मार्केट भी ग्रो कर रहा था। हर्षद मेहता ने दलाल स्ट्रीट में कदम रखते ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया और उसके बाद तो इसकी तरक्की को पंख लग गए। मुंबई में आलीशान घर के साथ साथ इसके पास कारों का खुद का एक कॉनवॉय हुआ करता था, जिसे देखकर लोग काफी जेलस फील करते थे। गुजरात के एक साधारण परिवार से परिवार का लड़का अगर अचानक इतनी तरक्की कर ले तो देखने वालों की आंख में किरकिरी की तरह खटकने भी लगता है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं जिसे ये इन कंपनियों में लगा रहा है। लोगों ने हर्षद मेहता को तब नोटिस किया जब उसने एक सीमेंट कंपनी के शेयर में पैसा लगाया। उस समय उस सीमेंट कंपनी का शेयर 200 रुपए का हुआ करता था, लेकिन जैसे हर्षद मेहता ने पैसा लगाया उस कंपनी का शेयर 9000 का हो गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रेंड कुछ ऐसा हो गया कि हर्षद मेहता जिस कंपनी का शेयर खरीदता था उस कंपनी के शेयर का रेट बढ़ते चले जाते। इसके बाद तो हर्षद मेहता की देखा देखी दूसरे शेयर कारोबारी भी उसके पीछे उसी कंपनी के शेयर खरीदने लगे जिस कंपनी के शेयर हर्षद मेहता खरीदता था। कुल मिलाकर जबरदस्त कमाई हो रही थी, कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे और लोगों के बटुए में पैसा आ रहा था। आगे चलकर लोग तो हर्षद मेहता पर नजर रखने लगे कि वो किस कंपनी का शेयर खरीद रहा है, क्योंकि उन्हें उसी कंपनी का शेयर खरीदना होता था। जहां शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हर्षद मेहता को ब्लाइंड फॉलो कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर्षद मेहता की सक्सेस और उसकी वर्किंग प्रोसेस की सीक्रेट्स खंगालने में लगे थे। इस बीच एक जर्नलिस्ट ने हर्षद मेहता की पोल खोल कर रख दी। दरअसल हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट उठाकर ये पैसा कमाया था। दरअसल होता ये था कि दो बैंकों के बीच अगर किसी एक बैंक को नकद की जरूरत पड़ती थी तो वो दूसरे बैंक से उधार ले लिया करता था और ये उधार 15 दिन के लिए मिला करता था। इसके बदले में दूसरा बैंक उतने ही पैसे का एक बॉन्ड पैसा देने वाले बैंक को दिया करता था। लेकिन एक्चुअल में इसका सिस्टम ये था कि पैसों का लेन देन तो होता था, लेकिन बैंक के बॉन्ड उसके पास ही रहते थे और एक पर्ची में उधार ली जाने वाली रकम लिख करके दे दी जाती थी। कुल मिलाकर पैसों के बदले बॉन्ड रखने के बजाय पर्ची का चलन हो गया और ये लेन देन बैंकों के बीच आपस में कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया। और इस बात की जानकारी हर्षद मेहता को लग गई थी तो सबसे पहले उसने दो छोटे बैंकों को चुना और उनके अधिकारियों से बेहतर रिलेशन बनाकर 15 दिन के लिए पैसे लेने लगा। वो 15 दिन के लिए पैसे लेता, शेयर मार्केट में लगाता और बाकायदा 15 दिन का इंटरेस्ट देकर वो पैसा बैंकों को वापस करता था। काम करते करते उसने बैंकों का एक भरोसा उसने जीत लिया। इसके बाद उसने यही काम SBI बैंक के साथ भी किया। बैंकों के अधिकारियों को भी लगा इसमें कोई बुराई नहीं है। वो 15 दिन के लिए पैसे लेता और समय पर ब्याज समेत सारा पैसा लौटा भी देता था, लेकिन कानूनी तौर पर ये इल्लीगल है। बैंक किसी को भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देते हैं, खासतौर से एक आम इंसान को तो 15 दिन के लिए तो लोन बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन हर्षद मेहता बैंक से लोन लेकर जिस कंपनी के शेयर खरीदता था उसके शेयर के भाव बढ़ जाते थे और हर्षद मेहता इसका फायदा उठाता था।
दरअसल उस समय भारत में आर्थिक सुधार का दौर चल रहा था, सरकार अपनी नीतियां बदल रही थी, जिसके चलते कंपनियों के शेयर भी आसमान की ऊंचाइयां छू रहे थे और हर्षद मेहता इस बदलाव का जबरदस्त फायदा उठा रहा था। सीमेंट फैक्ट्री के 200 रुपए के शेयर जब 9000 में बिके तो हर्षद मेहता को एक शेयर पर 8800 रुपए का फायदा हुआ। इसी तरीके से दूसरे भी कंपनियों के शेयर जब ऊंचाइयां छूने लगे तो इसका फायदा भी हर्षद मेहता को हुआ। अब वो कॉलम लिखने लगा, दूसरों को भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए एडवाइस देने लगा। अब क्योंकि वो खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, इसलिए उसके पीछे भी सीढ़ियां चढ़ने वालों की लाइन लग गई। लोग हर्षद मेहता पर ब्लाइंड फेथ करने लगे। लेकिन एक जर्नलिस्ट के दिमाग में जब ये बात आई कि आखिर ये शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा लाता कहां से है, तो उसने खोज में शुरू की और अपने इन्वेस्टिगेशन में उसने बैंक की कहानी पता कर ली कि ये इनलीगल तरीके से बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेता है, फिर उसे शेयर मार्केट में लगाता है। हालांकि विंटर सारा पैसा लौटा देता है, लेकिन ये तो है गैर कानूनी। हर्षद मेहता बेरोक टोक लंबे समय तक इस काम को करता रहा और इस काम के जरिए उसने अकूत दौलत इकट्ठा की। यहाँ तक कि वो चुनाव में नेताओं को चंदा भी देने लगा। उसका रुतबा रसूख दिनों दिन बढ़ता चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि चढ़ता हुआ सूरज भी एक दिन में ढल जाता है। कुछ ऐसा ही हर्षद मेहता के साथ हुआ। जब शेयर मार्केट में गिरावट शुरू हुई तो जिस शेयर के भाव बढ़ने की वो गारंटी दिया करता था, वो औंधे मुंह गिरने लगा। शेयर के भाव गिरने से सबसे पहला नुकसान उन बैंकों को हुआ जो हर्षद मेहता पर भरोसा करके उसे लोन दिया करते थे। लेकिन जब वो मुनाफा बड़ा होने लगा तो लोन का अमाउंट भी बड़ा होने लगा। उसने SBI बैंक को ही 600 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, जो उसने उसे समय पर नहीं लौटाया। इसके बाद बैंक के अधिकारियों को भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उनके पास भी कस्टमर का पैसा केवल 15 दिन के लिए ही रोटेट किया जा सकता था। अब समय ज्यादा होने लगा तो भेद भी खुलने लगा। इसके अलावा एक और जर्नलिस्ट इस मामले में लग गई और उसने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके इसके एक प्रॉपर रिपोर्ट छाप दी। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही हंगामा मच गया। इस मामले पर बाकायदा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी और आगे चलकर ये मामला CBI को दे दिया गया। जब जांच हुई तब ये पूरा मामला 4000 करोड़ रुपए का निकला। इस मामले को लेकर संसद में अच्छा खासा हंगामा हुआ। जब तक शेयर मार्केट में फायदा होता रहा, बैंक भी मुनाफा काटते रहे। लेकिन जब शेयर मार्केट लुढ़का तो बैंकों का पैसा भी डूब गया। अब हर्षद मेहता से पैसों के लिए बैंक वाले भी तगादा करने लगे। हर्षद मेहता ने दलाल स्ट्रीट में जो घोटाला किया, वो उस दौर में 4000 करोड़ का घोटाला था। जब उसका ये स्कैम सामने आया तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसने आंध्र प्रदेश चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उसने 67 लाख रुपए एक बार में और 35 लाख रुपए दूसरे किस्त में दूसरे दिन दिए। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और हर्षद मेहता के आरोप का खंडन भी किया। लेकिन मजे की बात यह है कि यदि आरोप झूठा था तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इस व्यक्ति पर किसी तरह का कोई केस क्यों नहीं किया और ना ही उसके इस बयान के आधार पर इस मामले में कोई आगे कार्रवाई हुई। हालांकि इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिला था कि प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने हर्षद मेहता से पैसे लिए। ये बात भी सामने आई कि हजारों लोगों के पैसे शेयर मार्केट में हर्षद मेहता की वजह से डूब गए, क्योंकि जिन शेयर में हर्षद मेहता ने पैसे लगाए थे उसकी देखा देखी वो लोग भी उसी शेयर में पैसा लगाया करते थे। शुरू में तो उन्होंने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन जब घाटा हुआ तो समझ लीजिए कि सभी को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा। हर्षद मेहता का ये स्कैम उस वक्त लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा। हर्षद मेहता ने अपने जिंदगी में जो किया उसकी वजह से बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने आ गई और यही सिचुएशन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार भी रही। ठाणे जेल में बड़ी रहस्यमय परिस्थिति में उसकी मौत हुई थी। लेकिन हम उन तमाम सिचुएशन पर बात कर रहे हैं जो हर्षद मेहता की मेंटल कंडीशन को सेंटिमेंटल बना देती है। इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद हर्षद मेहता को गिरफ्तार करके मुंबई के ठाणे जेल में रखा गया। अपने आप को शेयर बाजार का एक्सपर्ट बताने वाले हर्षद मेहता का तिलिस्म अब टूट चुका था। अब शेयर मार्केट का बूम पीरियड खत्म हो गया था और अब मार्केट डाउन होने लगा। अब हर्षद मेहता के सभी प्रेडिक्शंस फेल होने लगे। जिन बैंकों से उसने इलीगल तरीके से पैसा ले रखा था, अब वो उसे लौटाने की स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि उसके वो पैसे शेयर मार्केट में डूबते ही जा रहे थे। जो लोग हर्षद मेहता पर ब्लाइंड फेथ करते थे, अपना ढेर सारा रुपया उन कंपनियों के शेयरों पर लगाते रहे जो हर्षद मेहता ने प्रेडिक्ट किए थे, उनके भी पैसे डूबने लगे। 31 दिसंबर साल 2001 की रात हर्षद मेहता ने अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। उसे तत्काल सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का जो कारण बताया गया वो माइनर हार्ट अटैक था। दरअसल हर्षद मेहता की वजह से बैंक के वो अधिकारी और कर्मचारी बुरी तरह फंस चुके थे जिन्होंने हर्षद मेहता पर भरोसा किया था। उन्होंने बैंक का पैसा हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में लगाने के लिए दिया, जो कि इलीगल था। अब इन पैसों को लौटाने की स्थिति में
ना तो हर्षद मेहता था और ना ही बैंक के ये कर्मचारी अपने पर्सनल फंड से इतने सारे रुपए को लौटा सकते थे। ये कुछ ऐसी क्रिटिकल मेंटल कंडीशन थी जो उस समय हर्षद मेहता की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नेगेटिव थी। केवल 47 साल की उम्र में इस घोटालेबाज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।